करते हैं कि UPTET और SuperTET के सिलेबस में क्या पढ़े, कैसे पढ़े। पहले UPTET की तैयारी करें, पहले SuperTET की तैयारी करें। अगर आप मेरे साथ जुड़कर SuperTET की तैयारी करना चाहते हैं तो किस तरह से आपको पढ़ना होगा, क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे सबसे बेहतर स्कोर किया जाए, ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में और आपके दिमाग में भी हमेशा घुसते रहते हैं। आइए सबसे पहले हम UPTET को देखते हैं, फिर हम SuperTET को देखते हैं, फिर दोनों को अंतर देखते हैं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे बेहतर रणनीति के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगामी SuperTET की जो परीक्षा होनी है वो संभवतः अब मार्च या अप्रैल में होगी। आपके पास एक लंबा समय, इसलिए इस समय अगर हमको पढ़ना है तो हमें कछुए की चाल से अपना बेहतर देना होगा ताकि सफलता हमारी और दिन पर दिन नज़दीक आती जाए। लेकिन सफलता के लिए आपके साथ साथ पूरा प्रदेश पढ़ रहा है, लेकिन आपको अव्वल आने के लिए आपको जिंदगी का अपना बेस्ट देना होगा, तभी सफलता आपकी कदम चूमेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि करके अगर हम SuperTET की बात करें तो पहले UPTET की बात करते हैं, फिर SuperTET की बात करते हैं। अगर हम UPTET की बात करते हैं केवल, ठीक, तो UPTET की सिलेबस में CDP की बात करें, CDP आप तो जानते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, 150 प्रश्न आने हैं, तो CDP के 30 नंबर के 30 प्रश्न आने हैं, प्रश्नों की संख्या वही है और प्रश्नों का भी कम। फिर मैथ की बात करते हैं, 30 प्रश्न 30 मार्क्स के। EBS की बात करें अगर हम, हिंदी की बात करें, 30 प्रश्न 30 मार्क्स के। अब अगर हम लैंग्वेज 2 की बात करें, संस्कृत इंग्लिश अगर आप चयन करते हैं उर्दू के अलावा, तो भी 30 प्रश्न 30 मार्क के। तो इस प्रकार हमने देखा ये UPTET की 150 नंबर के आपके सामने प्रश्न है, क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसी के कंपेयर अगर हम SuperTET पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए इसीलिए मैं बताता हूँ। अगर आप मेरे यहाँ UPTET पढ़ रहे हैं और फिर SuperTET भी अगर मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं तो इस बात की गारंटी ये हो जाती है कि मुझे पता मैंने आपको UPTET में क्या पढ़ा है, फिर मुझे ये चीज़ें पता हो जाएंगी SuperTET में हमको क्या क्या चीज़ें आपको नई चीज़ें में पढ़ानी है। अब इसमें देखिए अगर SuperTET की बात करें, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, जिसको परीक्षा आने में तिथि अभी सामने दिख नहीं रहा था, लेकिन अभी से नहीं पढ़ेंगे सफलता हमारे और आपके नज़दीक नहीं आएगी। अगर SuperTET की बात करें तो अगर आप UPTET में CDP 30 नंबर का पढ़ते हैं तो SuperTET में थोड़े परिवर्तन के साथ यहाँ आपको कितने मार्क्स, 30 मार्क्स के आपको CDP आसानी से मिल जाते हैं। अब मैथमेटिक्स की बात करें, यहाँ पे आप मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं थोड़े से परिवर्तन के साथ, कुछ नए अध्याय के साथ जुड़ने और घटने के साथ यहाँ पे आपके 20 मार्क्स बन जाते हैं। अन्यथा अगर आप SuperTET पढ़ते तो कहीं ना कहीं पूरी दोबारा गणित को दोबारा पढ़ना पड़ता। लेकिन क्या है, जब आप मेरे यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ ले रहेंगे तो दोबारा जब मुझे पढ़ानी होगी, मुझे चीज़ें पता है कि मैंने आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जानी शेष है। इस प्रकार हम आपको बेहतर करने में आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर पाएंगे। फिर आते हैं EBS, यहाँ जो 30 नंबर का है, यहाँ SuperTET में आने के बाद ये 10 मार्क्स के हो जाते हैं। अगर लैंग्वेज सेकंड हिंदी की बात करें, यहाँ पे हिंदी 30 मार्क्स के है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हिंदी कितने की, 20 मार्क्स की हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो हिंदी पढ़ेंगे सब कुछ ही थोड़े परिवर्तन के साथ इसके क्या होते हैं, मार्क्स आसानी से आपको मिल जाते हैं। मतलब अगर हिंदी की तैयारी यहाँ कर रहे हैं तो आपको यहाँ करना लाजिमी हो जाता है। फिर लैंग्वेज सेकंड या 30 नंबर की, यहाँ पे 10 नंबर। इस प्रकार अगर आप हमारे यहाँ या हमसे जुड़कर UPTET की तैयारी कर रहे हैं, मुझे आधार पता है कैसे कैसे पढ़ाना है, प्रश्न के पेपर कैसे आते हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं हमारे ऐसे नोट्स ऐसी है जो पूरे प्रदेश में जानी जाती है। और आप टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश हमारा एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ जाके आप खुद देखेंगे कि हमने जो पढ़ाया, जैसे कभी कभी वीडियो के लिंक आप तक नहीं पहुँच पाती तो आप टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो हमने ये देखा कि 30, 50, 60, 30, 90 मार्क्स आपके पहले से तैयार है। अगर आप UPTET हमारे द्वारा पढ़ेंगे तो मेहनत से आपके 90 मार्क्स तैयार है। अब आपको वास्तव में जो लड़ाई लड़नी है वो 60 नंबर की लड़नी है। अब 60 नंबर में इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है कि कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि यहां से आपके 90 नंबर कंफर्म। अगर आप हमारे यहाँ SuperTET ज्वाइन करेंगे तो पहले आपको इनको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना इनके पढ़े आप इस लाइन में नहीं घुस सकते, क्योंकि ये सबसे बड़ा इसका आधार है, 90 मार्क्स। अब 60 मार्क्स में देखेंगे, 10 नंबर की साइंस है जो आपको अलग से पढ़नी है, 10 नंबर की साइंस,
पांच नंबर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आपको पता है सिलेबस। आपको नहीं पता हो तो मेरे टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, इलेनी विद दुर्गेश सर टेलीग्राम पे डाउनलोड कर ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश वहां से ले सकते हैं। ठीक, पांच नंबर के कंप्यूटर है, पांच नंबर की रीजनिंग है। ठीक, ये कितने हो गए, 15 10 25 हो गए आपके। ठीक, और क्या बचे आपके, जीएसओ मिला के 30 नंबर के करंट अफेयर है, 30 10 40 10 50 5 5 5 नंबर कोई चीज मिस हो रहा है तो पांच नंबर कोई चीज और है, सॉरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसी में है, विविध में है, पांच नंबर की रीजनिंग है, पांच नंबर का कंप्यूटर है, 30 नंबर की जनरल स्टडी है करंट अफेयर के साथ साथ, और 10 नंबर का जो यहाँ बचा हुआ लैंग्वेज है। ये 10 नंबर का लैंग्वेज हो गया, ये हो गया साइंस, ये हो गया रीजनिंग, ये हो गया कंप्यूटर, और ये हो गया आपका करंट अफेयर एंड जनरल स्टडी। ठीक, करंट अफेयर एंड जनरल स्टडी हो गया। इस प्रकार ये हो गया 30 10 40 20 60, ये आपके कितने मार्क्स हो गए, टोटल 60 मार्क्स बनकर तैयार हो गए। मतलब यहाँ पे रणनीति बनानी है, ये 30 नंबर आपका सबसे ज्यादा निर्णायक है और जो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है। जनरल स्टडी मेरा स्ट्रांग पॉइंट है और ये सबसे बड़ा स्कोरिंग पॉइंट है, किसके लिए, एक सहायक अध्यापक बनने के लिए जो लिखित परीक्षा का सिलेबस है, और मैं इसके आधार पर इसको जोड़कर हम पढ़ाएंगे। करंट अफेयर आपको अभी से पढ़ना नहीं है, हम सारी चीजें करंट अफेयर एनालिसिस करके हम आपको उपलब्ध कराएंगे। करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर एकदम 60 नोट्स उपलब्ध कराएंगे, उतना तैयार, पांच नंबर तैयार। रीजनिंग में हम वो चीजें आपको उपलब्ध कराएंगे जिसमें आसानी से आप 5 में 5 कर सकते हैं, उसमें गिने चुने अध्याय हैं। साइंस के लिए अलग टीचर अध्यापक है। तो इस प्रकार ये सुपर टीटी यूपीटीडी का एक कंपेरिजन हम आपको अध्ययन करके आपके सामने हमने रख दिया, और उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में होगा कैसे पढ़ना है। इसके बाद अगर आप किताब का सजेशन लेते हैं, सर किताब कौन से पढ़ी, उसके लिए हम आपको अलग वीडियो बना के ये बताएंगे कि कैसे किताबें आपको पढ़नी है, कौन कौन सी किताबें आपके लिए बेहतर है। और सबसे बड़ी बात, आपको ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन नोट्स सभी हमारे यहाँ उपलब्ध है। यदि आप ऑनलाइन अगर आपको क्लास चाहिए तो उसके लिए 6306344367 पर आप यहां से जुड़कर ऑनलाइन क्लास, नोट्स आदि के संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और आप फेसबुक पेज पे इलेनी बिदुर्गेश पे आप हमसे जुड़कर वहां से भी ले सकते हैं, और जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। लेकिन टेलीग्राम पे जरूर आप सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, वहां आप हमसे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि कभी कभी हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोज होते हैं उसके लिंक आप तक नहीं पहुंच पाते। हम यहाँ से आपको लिंक, पीडीएफ नोट्स आदि जो होगा मैं आपको उपलब्ध कराने का भरपूर प्रयास करूंगा। ठीक, यदि यहाँ से अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपके मन में आ रही हो, आपके मन में विचार में आ रहा हो, आप बेहचक आपसे प्रश्न रख सकते हैं। सिलेबस कैसे पढ़ाना है, और रही बात आपको वीडियो लेक्चर हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे ऑनलाइन क्लास में, कारण क्या होता है हम आपको बाद में लाइव भी देंगे, लाइव में बफरिंग हो जाती है कभी कभी, आपके साथ समस्या ना होने पाए, इसलिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपको जो वीडियोस देंगे वो रिकॉर्ड करके देंगे, ताकि आपको परीक्षा के पहले और परीक्षा के बाद किसी प्रकार का कोई समस्या ना उत्पन्न हो और सबसे ज़्यादा बेहतर स्कोर करें। अब रही बात किताबों की, तो सीडीपी के लिए आप ज्योति मैम की वीडियोज़ देख लीजिए, हमने भी सीरीज की है, शुरुआत की है। मैथमेटिक्स के लिए अमित सर और हमारी वीडियोस देख लीजिए, इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि सबसे बेहतर मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन जैसा लोगों ने फीडबैक दिया कि सर जी मैथमेटिक्स आपकी बेहतर है। एनवायरमेंटल स्टडी की बात करें तो वहाँ पे भी आप लोगों ने मुझे जिस प्रकार से सराहना दी है, जिस प्रकार से मेरे नोट्स, मेरे लेक्चर आपके लिए बेहतर मार्क्स लेकर आते हैं, लिखित परीक्षा में इतने ज़्यादा हमारे सिलेक्शन हुए, तो ये कहीं ना कहीं आपका ये प्रेम भाव जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये मुझे कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा मजबूर करता है। तो आप को यदि लगता है कि आपको इलेनी बिदुर्गेश के साथ जुड़ना चाहिए तो आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन हाँ, इस वीडियो लिंक को आप अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप सीटीटी क्वालिफाई कर गए हैं तो आगामी रणनीति आपके यूपीटीटी के साथ ना होकर सुपर टीटी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि सुपर टीटी आप यूपीटीटी से होते हुए गुजरेंगे। लेकिन अगर आपको दोनों लेने कोर्सेज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे मैथमेटिक्स सारे टॉपिक दोनों मैच नहीं करते, लेकिन हाँ अगर आप दोनों बैचेज इंक्लूड लेते हैं, दोनों कोर्सेज कंप्लीट लेते हैं, तो हम आपको इस तरह से तैयार करेंगे, क्योंकि वो बेसिक तैयार करना हमारा काम है। वीडियो कैसे देना, आपको कैसे आपको प्रिपेयर करना है, परीक्षा के पहले गेस्ट पेपर कैसे देना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसे देना, आपको प्रैक्टिस सीट कैसे उपलब्ध कराना है, ये सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से मैनेज करके आप तक पहुँचाने का भरमक प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आज नहीं तो कल आप हर एक
अभ्यर्थी जिसे अध्यापक बनना है, सहायक अध्यापक बनना है, वो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर चले, ताकि हमें भी आत्मशक्ति मिले और आपको भी आत्मशक्ति मिले, हम और आप दोनों मिलकर इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपको पसंद आया होगा, और यहाँ पे जो प्रश्न आपको आ रहे हो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूँ और आपके लिए और कुछ बेहतर कर सकूँ। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि UPTT से रहा आपकी सुपर TT की तय होती है, और इसलिए आप सबसे पहला अपना जो बेस्ट है वो कहाँ पर देंगे, UPTT फिर सुपर TT, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं अंतर संबंधित है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से अलग भी है। वो जब ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे तो हम आपको दोनों तोड़कर बताएंगे कैसे। लेकिन आप CTET और UPTET और SuperTET की बैच के लिए आपका मोस्ट वेलकम है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर संस्था के रूप में अध्यापक होकर आप इस संस्था का चुनाव जरूर करेंगे। मोस्ट वेलकम आपका ई-लर्निंग दुर्गेश में। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके हम उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।